नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो नुस्खा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है अंडकोश के बारे में। अंडकोश मतलब हाइड्रोसिल, जिसे अंग्रेजी में हाइड्रोसिल बरजाना कहते हैं। हाइड्रोसिल की समस्या से कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं, इसके संबंध में मैं आपको आज एक अचूक नुस्खा बना के दिखाने जा रहा हूँ। और इस नुस्खे के इस्तेमाल से अगर किसी का भी हाइड्रोसिल बढ़ा हुआ है, अंडकोश बढ़ा हुआ है, तो वो बिल्कुल ठीक होगा अगर उन्होंने वैसे ही इस नुस्खे को अपनाया जैसे कि मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसमें कोई दो मत नहीं कि उनका हाइड्रोसिल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको दो उपाय बताऊँगा। एक सेवन करना है, एक पीना है और एक लगाना है, अर्थात एक का लगाकर मालिश करना है अंडकोश में और दूसरे को पीना है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको हाइड्रोसिल में लगाने के लिए एक पेस्ट बनाकर दिखाने जा रहा हूँ। पेस्ट तैयार कैसे करना है आप नोट कर लीजिए। पेस्ट तैयार करने के लिए हमें चार सामग्री चाहिए होगी। एक तो काली मिर्च, काली मिर्च हमारे किचन में पाया जाता है या मसाले की दुकान में आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम यूज करेंगे जीरा, जीरा आप समझते हैं ये भी हमारे किचन में यूज होता है। इसके अलावा हम यूज करेंगे हल्दी, हल्दी का पाउडर, अगर हो सके तो कच्चा हल्दी का पाउडर अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर कच्चा हल्दी ना मिले तो आप पाउडर ऐसे भी यूज कर सकते हैं, मार्केट में जो पाउडर होता है उसे भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम यूज करेंगे जैतून का तेल, जैतून का तेल ऑलिव ऑयल आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। ये आधा चम्मच काली मिर्च लेना है सबसे पहले, एक चम्मच जीरा लेना है, एक चम्मच जीरा लेना है और एक चम्मच हल्दी का पाउडर लेना है। अगर कच्चा हल्दी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नॉर्मल हल्दी भी आप ले सकते हैं। ये तीन चीज को आप क्या करें, ग्राइंडर में, मिक्सी में, सिलबट्टे पे किसी भी प्रकार से कूट पीस कर बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें इन तीनों चीजों का। इसके बाद क्या करना है, इन तीनों चीजों को सिलबट्टे में, खलबट्टे में या मिक्सी में किसी भी तरह से बारीक पीस लेना है। इसको बारीक पीस के पाउडर बना लेना है और इसमें आप एक चम्मच जैतून का तेल मिला दीजिए। एक चम्मच जैतून का तेल मिलाने के बाद ये पेस्ट तैयार हो जाएगा, बिल्कुल बारीक पेस्ट तैयार हो जाएगा। और इस पेस्ट को आप क्या कर रहे हैं, जिन किसी के हाइड्रोसिल में समस्या है, प्रॉब्लम है, जिनका हाइड्रोसिल बढ़ गया है, जिनका अंडकोश बढ़ गया है, उसमें इसे लगा दें, अच्छे तरीके से लगाएं। इसे दिन में तीन बार लगाना है, एक बार सुबह लगाइए, एक बार दोपहर में लगाइए और एक बार रात को लगाइए। एक चीज का और ध्यान रखें, जब कभी भी आप इसे लगाने जा रहे हों उससे पहले अपने हाइड्रोसिल को, जिनको भी हाइड्रोसिल की समस्या है, उसे अच्छे तरीके से धो लें। नीम का साबुन अगर मिल जाए तो नीम के साबुन से उसे अच्छे तरीके से धो लें। धोने के बाद इस लेप को आप अपने हाइड्रोसिल पे, या जिन किसी को भी ये समस्या है वे अपने हाइड्रोसिल पर लगाएं। दिन में तीन बार लगाना है, सुबह, दोपहर और शाम। आप इसे 15 से 20 दिन अगर लगाएंगे तो आपके हाइड्रोसिल की जो साइज का समस्या है बढ़ जाता है, उसमें पानी भर जाता है, ये समस्या धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेगी। लेकिन सिर्फ इसी से नहीं होगी, इसके अलावा आपको एक और उपाय करना है। दूसरा उपाय क्या है जो इसके साथ में आपको करना है, रोजाना एक गिलास अनार का जूस पीना है। अनार आपको पता है, किसी भी जूस के दुकान पे आप चले जाइए या अनार खरीद के ले आइए, अपने घर पे भी आप ताजा जूस तैयार कर सकते हैं। रोजाना आपको एक गिलास अनार का जूस पीना है, दिन में एक बार कम से कम। अगर आपने 15 से 20 दिन तक इन दोनों नुस्खों को यूज किया तो आप यकीन मानिए आपके हाइड्रोसिल की समस्या धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी और आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसी कामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।